Hey guys, welcome back to my channel. This is me, it's Aisha Online with another brand new video. So guys, today's video is going to be about me testing out a new product again for you all. You have been requesting me to review these products. These products are newly launched by Beautify by Amna. Ek unki nayi BB cream aayi hai aur ek unka new serum aaya hai. Ab wo products kya hai, unki kya shakal hai, ye sab main aapko batane wali hu is video mein. So this is basically birthday edition box by Suleiman. By Suleiman. Suleiman is the owner of Beautify by Amna, ठीक है? और उनका ये birthday edition box है और ये limited edition है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा. So if you want to get your hands on these, तो आप लोग वक्त से पहले ले लें. So when you open the box, what you get is you get about two products. So वो दो products कौन से हैं जो आपको मिलते हैं? पहला प्रोडक्ट इज दी बीबी क्रीम द ब्यूटी बाम बाय ब्यूटीफाय बाय आमना. दिस इज मल्टी एक्शन स्किन केयर मेकअप प्लस मेकअप. इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप. और दूसरी चीज जो आएगी इस पैकेज में वो है ब्यूटीफाय बाय आमना का न्यू स्नो ग्लो सीरम. फेस हाइड्रेटिंग सीरम है ये. सो इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं आज यूज करूंगी, रिव्यू करूंगी आप लोगों के सामने. इनमें से जो सीरम है ग्लो सीरम, विच दिस आई हैव ऑलरेडी ट्राइड आउट वंस, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ इसका बिल्कुल डिटेल में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. सो द बीबी क्रीम, दिस कम्स इन फाइव टू मतलब सिक्स शेड्स राइट हियर. इसमें छः शेड्स हैं. मुझे जो शेड आया था विच इज़ नेचुरल बफ 103 मैंने ऑर्डर किया था. आई होप इट मैचेज मी. शेड रेंज थोड़ी कम है इनकी और ये बाकी डिटेल्स लिखी हैं प्रोडक्ट के बारे में. सो इसमें SPF 30 एड है विच इज़ एन अमेजिंग थिंग फॉर समर्स. और सबसे अच्छी बात है दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो इसमें ऑयली ड्राई वाले आई थिंक इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, बट येट आई हैव टू ट्राई दिस आउट एंड लेट यू नो गाइस के वाकई जो वो क्लेम कर रहा है प्रोडक्ट वैसा हो रहा है कि नहीं. अब हम एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. पहले आई विल यूज़ दिस प्राइमर परफेक्ट प्राइमर बाय ब्यूटीफाय बाय आमना टू प्राइम माई फेस. उसके बाद आई विल यूज़ दी सीरम देन ब्यूटी बाम द बीबी क्रीम. Now once the primer is all nicely applied, अब हम serum apply करेंगे. अब this comes in a white color की packaging which I love. और इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ingredients वगैरह जो भी चीज़ें mention है उसको अब देखते हैं. So this is called Snow Glow Serum, face hydrating serum, refresh your skin day and night. सही है. इसके ingredients में भी get water, जो जो मुझे चीज़ों का पता है मैं वही बताऊँगी. इसके अंदर glycerin है, इसके अंदर aloe vera extract है. These are the things which are really really good फॉर योर स्किन. इसमें ऑयल का जो है वो नहीं डाला हुआ, मतलब विच इज़ गुड. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर पीपल हु हैव कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, बिकॉज हम लोग ऐसे लोग हैं कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वाले जो एक अच्छा सीरम की तलाश में होते हैं, विच इज़ गुड फॉर आर स्किन टाइप्स. और ड्राई स्किन के लिए तो देर आर लाइक लॉट्स ऑफ सीरम्स इन द मार्केट. डायरेक्शन में लिखा है इसके फ्यू ड्रॉप्स आपने लगाने हैं मॉर्निंग एंड नाइट में. ये बीबी क्रीम के नीचे आप यूज़ करें तो बहुत अच्छी इसकी एक एप्लीकेशन होती है. ठीक है. दिस गिव्स यू इंस्टेंट हाइड्रेशन एंड ल्यूमिनस ग्लो. दिस व्हाइट बॉटल इज व्हाट वी गेट इनसाइड. आप लोग देख सकते हो ये बड़े मजे की क्रिस्टल सी व्हाइट बॉटल लग रही है. ये सबसे चीज आपने क्या करनी है, मिक्स द बॉटल वेल. या जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करो लिक्विड, उसमें आपने जरूर करना है. नाउ अब इसमें जो फैक्टर है ना वो है इसके स्नो ग्लोब्स. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस क्लियरली. इसके जो स्नो ग्लोब्स हैं ना वो इसकी मेन चीज़ है. ठीक है, मैं इसका इफेक्ट आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ. आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो हैं वो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं इसके अंदर और दीज इजीली गेट ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन. इसमें कोई ऑयल नहीं है. इट्स ऑल प्योर purely amazing for oily skin. So now you can see I have applied the product and there's definitely some glow going on into my skin and my face feels very refreshed and it's not sticky at all. और ये अच्छे तरीके से सीरम जो है मेरे फेस पे बैठ गया है, ऑब्जॉर्ब हो गया है, which is great. And
दिस इज़ अभी से मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी आइडियल फॉर पीपल हु हैव ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन. हाँ, ये ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, बट होता ना कि एक आइडियल सीरम, तो वो है ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. नाउ आई एम गोना लेट इट सिट इन टू माई फेस, लेट इट सिंक इन टू माई फेस फॉर लाइक अ मिनट और टू. उसके बाद जो है हम बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं, उसके लिए आई एम मोर एक्साइटेड. सो बीबी क्रीम हमारे हाथ में आ गई. अब इसका क्या सीन है, इसमें मैंने बताया कि SPF 30 प्लस है. दिस इज़ फॉर हाइड्रेटिंग एंड ब्राइटनिंग योर फेस. इट्स परफेक्ट फॉर योर एवरी डे नो मेकअप लुक. ठीक है, ऐसी एलिमेंट्स हैं इस बीबी क्रीम के अंदर जो आपको स्वेट प्रूफ रखेगी, स्वेट आपका कम आएगा इसको लगा के, और इसमें आपको केकी लुक भी बिल्कुल नहीं देगा. ठीक है, नेचुरल ग्लो और फ्रेशर और मोर एक्टिव स्किन आप लोगों को प्रोवाइड करेगा. हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि ज़्यादा केकी या ऑयली फेस मत हो जाए, तो ये प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि आपको स्वेट प्रूफ आपका फेस रहेगा, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए भी है, और नेचुरल और फ्रेशर लुक रहेगी आपकी. यू नो इट विल गिव यू अ नो मेकअप काइंड ऑफ अ लुक. सो नाउ आई गॉट इट इन द शेड 103 बफ. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. तो आई डोंट नो कि इसका जो फेस मैच है वो सही है कि नहीं, ये लगाने के बाद मैं बता सकती हूँ आपको. मैं पहले इसका स्वॉच आप लोगों को करके दिखाती हूँ. इसके अंदर यू गेट अबाउट 40 ml ऑफ प्रोडक्ट. सीरम का तो मैंने बताया ही नहीं. सीरम के अंदर यू गेट 30 ml ऑफ प्रोडक्ट, बीबी क्रीम के अंदर यू गेट लाइक 40 ml ऑफ प्रोडक्ट. सो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट में. ये है, आप लोग देख सकते हो कि 103 का जो शेड है वो इस तरह से है, विच लुक्स अ वेरी वेरी गुड match to my skin. So I have applied the BB cream. It's giving me a very natural kind of finish. इसकी जो coverage है it's very lightweight. इसमें medium तक भी नहीं आती, it's very light. और एक हल्की सी layer लग रही है आपके face पे. It doesn't cover any of your like imperfections वगैरह. It just gives you a very nice luminous glow, everyday glow. मतलब लग रहा है इसको लगा के कि this can be used on everyday basis. इसकी coverage आप लोगों के सामने ही है. आप लोग देख सकते हो मेरे कवरेज वेरी इजीली कि इसकी ये कवरेज है, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर माय स्किन. यू कैन सी हाउ इसमें जो ल्यूमिनस फिनिश है, ग्लो है, वो इसके अंदर इजीली नज़र आ रहा है. एंड इट डजंट फील केकी और वेरी ऑयली ऑन माय फेस. इट लुक्स वेरी लाइटवेट, और लग ही नहीं रहा कि मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई किया हुआ है. अब मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी, फेस वगैरह सेट करूंगी, अपना थोड़ा सा मिनिमल मेकअप करूंगी. आई विल बी बैक विद माय कंप्लीट लुक. फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह लगती है बाकी मेकअप के साथ. सो आई विल बी राइट बैक. This is how the coverage of the BB cream looks like. I think it gives me kind of medium coverage because I applied concealer obviously, and उसके बाद मैंने टॉप अप किया इसको पाउडर के साथ. तो द कवरेज आप लोगों के सामने है कि द फिनिश ऑफ द बीबी क्रीम इज, दिस इज वॉट द बीबी क्रीम इज लुकिंग लाइक राइट नाउ, एंड आई एम लविंग द रिजल्ट्स सो फार. इट लुक्स वेरी फ्रेश, इट लुक्स वेरी ग्लोई. तो आई एम गोना बी डूइंग अ वेयर टेस्ट. इतना लंबा वेयर टेस्ट मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि इट्स ऑलरेडी वेरी लेट ओवर हियर. मैंने स्टार्ट ही बहुत लेट किया है, लेकिन 3 से 4 घंटे तक मैं इसको रेस्ट दूंगी. आई एम गोना बी लाइक दिस. आई एम गोना सी के मुझे पसीना कितना आता है. AC के बाहर बैठूंगी तो वी विल नो कि इस फाउंडेशन का क्या रिएक्शन है फिर. तो आई विल बी बैक इन अ वाइल. तो फिर मैं इसका फाइनल जो रिव्यू है वो आप लोगों को थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी, एंड वी विल सी द प्रोग्रेस ऑफ दिस बीबी क्रीम कि ये कहाँ तक यू नो परफॉर्म करती है, इफ इट्स लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ और नॉट. सो आई विल बी राइट बैक. हे गाइस, सो आई एम बैक विद अबाउट 5 घंटे मुझे हो गए हैं जब मैं लास्ट मैंने चेक इन किया था. सो नाउ वी आर बैक एंड यू कैन नाउ सी माई फेस. आप लोग देख सकते हो द फिनिश ऑफ माई फेस के ये कैसे लग रही है. वेल आई हैव ए रिव्यू.
स्टिल लुकिंग वेरी फ्रेश. जब मैंने लगाई थी मतलब बहुत मुझे ना मेरे फेस पे कोई ऑयल आया है ना मेरे फेस पे कोई स्वेट आया है, कोई पसीना आया है. मैं बाहर थी काफ़ी देर जो जहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ था एंड स्वेटिंग हल्की फुल्की सी बावजूद भी द फाउंडेशन कह रही हूँ द बेबी क्रीम डिडंट मूव एट ऑल. ठीक है, सो 5 घंटे मुझे इसको यूज़ करते हुए हो गए हैं. अब मुझे यहाँ पे सिर्फ हल्की सी स्माइल लाइंस नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी यहाँ से जो है हल्की सी क्रीजिंग है यहाँ पे और नोज़ के अराउंड भी लाइक थोड़ी थोड़ी जो बीबी क्रीम है वो यहाँ पे हल्की सी इकट्ठी हो गई है और हल्की सी मुझे यहाँ पे जो है वो क्रीजिंग आ गई है. बाकी रेस्ट ऑफ माय फेस यू कैन सी माय अंडर आई एरिया माय यू नो मुझे कहीं भी पसीना नहीं आया. आई थिंक द बीबी क्रीम लुक्स वेरी नाइस. जो मैंने सीरम भी यूज़ किया था स्नो सीरम उसकी वजह से भी काफ़ी ल्यूमिनस लग रही है. हाउ फ्रेश माय फेस लुक्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स एज वेल और देर इज़ कम्प्लीटली नो फ्लॉज ऑन माई फेस. ठीक है, आप लोग देख सकते हो बस मुझे हल्की सी क्रीजिंग हुई है अपनी स्माइल लाइंस पे, बहुत लाइट, नथिंग टू मेजर. और यहाँ पे हल्की हल्की सी फाउंडेशन जो है सॉरी बीबी क्रीम जो है वो थोड़ी सी इकट्ठी हो गई है, नथिंग एल्स. रेस्ट ऑफ माय फेस लुक्स वेरी फ्लॉलेस एंड एक्सट्रीमली ग्लोई. इफ़ यू आर everyday college going office going girls then I highly recommend this BB cream. ये आप everyday basis पे use कर सकते हो, roses BB cream को लगा सकते हो. इसकी कवरेज बहुत लाइट टू मीडियम है, आप इसको थोड़ा सा बिल्ड भी कर सकते हो, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है. बट आई थिंक इस तरह की आपको फिनिश डेली मिलेगी एक बीबी क्रीम में से, तो आई हाईली रिकमेंड सच बीबी क्रीम. सो ब्यूटीफाई बाय आमना की बीबी क्रीम इज़ अप्रूव्ड बाय मी. इट्स अमेजिंग, इट लुक्स फ्लॉलेस, इट गिव्स यू अ फ्लॉलेस फिनिश. आप लोग मेरी फिनिश आप लोगों के सामने ही है, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. और साथ में जो सीरम है वो भी बहुत ही आउट क्लास है. आई थिंक उसकी हेल्प से ही ये बीबी क्रीम भी ज़्यादा देर तक ठहरी है मेरे मुंह पे. तो अब मैं ऑयली स्किन हूँ, मैं कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन हूँ, मेरे लिए ये बीबी क्रीम सूटेबल है. तो फिर सब ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये सूटेबल है. और ड्राई स्किन वालों को तो वैसे ही बहुत ल्यूमिनस और शाइन वाली चीज़ें पसंद होती हैं बिकॉज उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइंग होती है, पैचिंग होती है. तो ये बीबी क्रीम बिल्कुल आपके फेस को पैची नहीं करेगी, इट विल स्टे इंटैक्ट एंड इट विल गिव यू दिस फ्रेशर लुकिंग स्किन. जैसे मेरी स्किन कितनी फ्रेश लग रही है और कितनी ग्लोई लग रही है इवन आफ्टर अप्लाइंग इट 5 घंटे के लिए. आगे भी मैं देखती रहूंगी क्या सीन है, लेकिन अब तक के लिए तो इट्स रियली रियली गुड. अब हमारे पास एक डील है जो कि आई हुई है ब्यूटीफाई बाय आमना वालों की. वो डील ये है, अब इस डील में सीन है कि आप अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स लेते हो दीज आर फॉर ओनली 2250, मतलब इस पे ऑलमोस्ट फ्लैट 45% ऑफ लगा हुआ है. ठीक है, तो ये समर इनकी प्रीमियम सेल चल रही है, इस डील में आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो मैंने आज रिव्यू किए हैं. दोनों ही बहुत टॉप क्लास प्रोडक्ट्स हैं. और इसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि हम ब्लॉगर्स के कोड्स भी होते हैं हर डील के साथ जो भी ब्यूटीफाई बाय आमना की होती हैं. तो उससे होता है कि आपको हमारा कोड यूज़ करने से ना फ्री गुडीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती हैं ब्यूटीफाई बाय आमना की. जैसे इस डील में अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करो, माई कोड इज़ AN12, वट यू विल गेट इज़ दीज 4 गुडीज़ फ्री. अब इन 4 गुडीज़ में क्या क्या फ्री है, यू गेट ए फाउंडेशन ब्रश, 2 आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स मिलते हैं, 1 आपको मिनी प्राइमर मिलेगा और आपको एक मिनी सीरम मिलेगा. 4 चीज़ें जो हैं वो फ्री में मिलेंगी इफ़ यू यूज़ माई कोड AN12. ठीक है, तो ये मेरा कोड है, इस डील को आप बाय कर लें एज सून एज पॉसिबल बिकॉज लिमिटेड एडिशन डील है. जैसे मैंने कहा है बर्थडे एडिशन है, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है, वी डोंट नो. सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा हो और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द पोस्ट करूँगी, कोई मज़े का ट्यूटोरियल पोस्ट करूँगी फॉर यू ऑल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. एंड एक और चीज़, जिस जो मुझे इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो नहीं करा प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें. यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी इंस्टाग्राम अकाउंट, फॉलो मी देयर एंड वहाँ पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चंस DM में करोगे मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी. तो यू कैन फॉलो मी ऑल देयर. बाय बाय.